मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर बहुत बड़ा हमला किया। शिमला की रैली में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन ने कई जातियों को ओबीसी बना दिया था और ऐसा करके ओबीसी के हक पर डाला गया था डाका। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल की सीएम बौखला गई है और फैसला मानने से भी इनकार कर रही है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। दो दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया, कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा फोंका। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है।